नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आपने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे कंप्लीट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेटल कार्बोनाइल, मान लीजिए कि ये हमारा मेटल है और मेटल के पास ये डी ऑर्बिटल्स है। ये डी ऑर्बिटल्स है और यहां पर ये कार्बोनाइल यानी कि सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ये ऑर्बिटल इस फिगर को आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यदि ये फिगर आपके समझ में अच्छे तरीके से आ जाता है तो फिर इसे एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा और जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसे मैं यहाँ पर कलर्ड कर रहा हूँ। इसका मतलब कि ये वो डी ऑर्बिटल्स हैं जिसके अंदर की इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। और ये जो कार्बन के आपको ऑर्बिटल्स दिखाई पड़ रहे हैं इसमें, इसे मैं कलर्ड कर रहा हूं। इसका मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। ये जो ऑर्बिटल्स देख रहे हैं कार्बोनाइल कार्बन में, जो कार्बोनाइल के अंदर जो ये कार्बन का ये ऑर्बिटल है, यह वास्तव में मैं यहां पर लिख देता हूं, यह पाई 2p बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा होगा कि जब कभी भी दो एटॉम्स चाहे सिमिलर या डिसिमिलर आपस में कंबाइन करते हैं तो ये दो तरह के बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। कुछ बनाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और कुछ बनाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं यह बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये जो कि अभी एम्प्टी है ये एंटी बॉन्डिंग है। इसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ये तो मैंने इसके लिए लिखा है, यह पाई स्टार 2p और ये कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक्चुअली यहां पर होता क्या है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो ये कार्बन है जो जिसके अंदर की इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, यह अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल यानी कि मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल को देता है और यहां पर यह बना लेता है सिग्मा बॉन्ड। और जो डी ऑर्बिटल जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके जो डी ऑर्बिटल्स है जो कि फील्ड है, यह अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर
देता है, यानी कि ओवरलैपिंग होता है, फर्स्ट ओवरलैपिंग और ये सेकेंड ओवरलैपिंग। तो आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब फर्स्ट ओवरलैपिंग होता है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और कार्बोनाइल कार्बन का जो लोन पेयर है वह सेंट्रल मेटल एटम के एम टी डी ऑर्बिटल को ट्रांसफर किया जाता है, इसके बीच में ओवरलैपिंग होता है। सेकेंड ओवरलैपिंग जो एम जो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है जो कि भरा हुआ है, यह ओवरलैप करता है कार्बोनाइल कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ, यानी कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होता है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होता है, तो ये दोनों बना लेता है पाई बॉन्ड, ये दोनों बना लेता है पाई बॉन्ड। तो शायद मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा कि जो मेटल कार्बोनाइल होता है इसमें दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, दो तरह के बॉन्ड के कैरेक्टर्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के कैरेक्टर्स होते हैं और पाई बॉन्ड के कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड होता है यह वीक होता है और जो पाई बॉन्ड के कैरेक्टर्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। अब आप यहाँ पर इसी चीज़ को देखें, यदि आप फील कर रहे हैं तो इसे पॉज करके रोक करके नोट भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने यही चीज़ लिख रखा है। मैंने कोशिश किया है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, क्योंकि मोस्टली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि 2 से 5 मिनट ही लोग वीडियो को देख पाते हैं, इसलिए मैंने अलग से ये आपको समझा दिया। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि आपके पास नोट्स हों, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, यही चीज़ जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बना करके समझाया है, यही स्ट्रक्चर है। यदि मान लीजिए कि यही क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स में पूछे जाएं, तो यदि ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं तो आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं, यहां से यहां तक, यानी कि ये देख लीजिए जो मैंने ये बॉक्स यहां पर दिखा रखा है, आप यहां से लेकर के यहां तक लिखेंगे और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यदि ये 2 मार्क्स के अंदर आया गया है, पूछा गया है तो। इसलिए मैं इसको थोड़ा और बोल्ड कर देता हूं ताकि यदि आप कॉपी कर रहे हैं तो आपको कॉपी करने में कोई परेशानी ना हो। और यदि यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाए या 3 मार्क्स में भी आ जाए तो इसे आप कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू। यदि आप को ये भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करना ना भूलेंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, यदि आपको अच्छा लगा हो तभी करें, अन्यथा ना करें। धन्यवाद।